हेलो एवरीवन। और देखिए, सभी गार्जियन के लिए मैं फिर और एक चैप्टर स्पेशल लाया हूँ। एक्चुअली ये चैप्टर जो है ना, आपको लाइफ लॉन्ग काम देने वाला है। इसका जो फंडामेंटल्स है, इसका जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसको पूरी तरह बता रहा हूँ। एक्चुअली चैप्टर का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे, और साथ में मल्टीपल्स का जो एक है और LCM, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट, सॉरी लोवेस्ट नहीं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। तो इसको किस तरह से हम लोग जानेंगे, उसका पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर बनाएंगे, उसमें फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और उसमें HCF या हाइएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। इसके लिए देखते हैं हम लोग एक सिंपल एक टेबल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं टेबल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, टू का जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं, तो 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, इस तरह से आपको 2 10 20। उसके बाद यदि आप 2 11, 2 12 इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो ये खत्म। कहने का मतलब ये जो 2 का टेबल है, ऐसा नहीं है कि 10 2 10 20 तक ही खत्म नहीं होता है। एक्चुअली बहुत ये इनफाइनाइट है। तो हम लोग 10 तक करते हैं, ताकि उसके बाद हम लोग 11 के हिसाब से 12 के हिसाब से इस तरह से कर लेते हैं हम लोग। उसी तरह यदि 3 का टेबल देखेंगे, 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। 4 का यदि देखेंगे तो इस तरह से होगा, 5 का, इस तरह सबका एक टेबल है, एक मल्टीप्लाई भी है एक तरह से, आप समझ लीजिए। जैसे ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला की यदि बात करें हम लोग, तो फर्स्ट वाला क्या है, 2 into 1 is 2। सेकेंड वाला यदि इसको बात कर रहे हैं, तो 2 into 2, मतलब 2 का टेबल आप जब दो बार पढ़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी है। तो ये जो है आप इससे, ये सब जो है, मतलब 2 का जब हम टेबल पढ़ते हैं, 2 को 1 से 2 से 3 से 4 से इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह एक सीरीज बहुत सारे आपको नंबर्स इस तरह से मिलते हैं, और ये जो नंबर्स है ये उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। सीधी सी बात है, यदि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के टेबल में आ जाता है, वो यदि पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो उसका मल्टीपल कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, हम बात करेंगे, सपोज करिए 16 की, इसके बारे में यदि बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं, ये 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं, ये 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का यदि आप टेबल पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, 2 8 are 16 होता है। मतलब 2 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 5 इस तरह से, तो आप 8 बार में जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 बार में, तब आपको आएगा 16। यानी ये जो 16 है क्या है, 2 का मल्टीपल है, और चूंकि 2 का है ये 8 बार में है, तो 8 का भी होगा। अब यदि 3 की बात करें, तो आप 3 का यदि टेबल पढ़ते हैं, 3 को यदि 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये टेबल में नहीं आएगा। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, लेकिन 16 आपका नहीं आया। इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 का टेबल में नहीं आएगा, यानी 16 जो है सो 3 का मल्टीपल नहीं है। अब 4 की बात करेंगे, तो 4 का आप टेबल पढ़ेंगे, तो 4 का आप यदि 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो आपको 16 आएगा, यानी ये 16 4 का भी मल्टीपल है। तो मल्टीपल का ये सिस्टम है कि यदि किसी का टेबल में वो नंबर आता है, तो उसका वो मल्टीपल कहलाएगा। कहने का मतलब जो 6 है ये 2 का मल्टीपल है, 8 है 2 का मल्टीपल है, 10 भी 2 का मल्टीपल है। उसी तरह जैसे हम देखेंगे, 3 3 का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है। 4 की बात करेंगे, 4 मल्टीपल है 4 का, ये 8 भी 4 का मल्टीपल है, 12 भी 4 का मल्टीपल है। तो इसका टेबल में जो जो आता है ये सब मल्टीपल्स है इसका, इस चीज को याद रखेंगे। ये जो मल्टीपल्स है ना, ये लोगों का मल्टीपल्स है, ये सब जो प्रोडक्ट है। अब यहां पर एक चीज और देख लेंगे आप। अब यदि इस पूरे सीरीज को हम देखते हैं, ये हमारा मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग बात करेंगे लोएस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लाइफ में समझते हैं, आपको फिर कभी परेशानी इस पे नहीं होगी। इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके लिए हम यदि इस टेबल को देखते हैं, तो इस टेबल में हम क्या देखते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है। अब यदि 3 की बात करें, तो देखिए यहां कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल है यानी क्या हो गया, एक से ज्यादा मल्टीपल्स, एक से ज्यादा नंबर के मल्टीपल के बारे में बात करेंगे। जैसे हम 2 और 3 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, ये दोनों का, तो हम दोनों का यदि ये टेबल देखते हैं, तो देख रहे हैं हम 2 है,
फोर है, सिक्स है, इस तरह से जाता है। थ्री का जगह देखेंगे थ्री है, सिक्स है, नाइन है, ट्वेल्व है, इस तरह से आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों में कॉमन है। तो आप देख रहे हैं ये जो नंबर है सिक्स, ये दोनों में कॉमन है। आप ये देख रहे हैं कि ये भी दोनों में कॉमन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। आप एक चीज और यहाँ पे देख रहे हैं, ये 18 यदि देखेंगे तो देखिए ये भी आपका कॉमन है। यानी यदि आप इस तरह से टेबल बहुत लंबा आप पढ़ते जाएंगे तो आगे जाकर के बहुत सारे ऐसे कॉमन मिलेंगे। तो क्या है ये? कॉमन मल्टीपुल्स है। सिक्स जो है टू का और थ्री का कॉमन मल्टीपुल है, ट्वेल्व जो है टू और थ्री का कॉमन मल्टीपुल है, 18 जो है सो टू और थ्री का कॉमन मल्टीपुल है। अब इस तरह यदि इसको तीनों को यदि मिला दिया जाए तो तीनों को मिलाने से भी कोई ना कोई होगा। आप देख रहे हैं यदि तीनों को मिलाएंगे तो ये 12 जो है ये तीनों में कॉमन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जो सब में होंगे। जैसे ये देखिए 24 है, ये 24 जो है ये आप देख रहे हैं ये तीनों में कॉमन है ना, ये तीनों में कॉमन है। तो ये कॉमन मल्टीपुल्स है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो सबसे छोटा ये 6 है, 12 है, 18 है, 24। सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल हुआ आपका? 6। यानी 2 और 3 का यदि हम कॉमन मल्टीपल लिस्ट एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा? 6। लेकिन यदि 2, 3 एंड 4 तीनों का यदि कॉमन मल्टीपल की बात करें तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? देखिए एक 12 मिला, ये तीनों का कॉमन मल्टीपल है। ये 24 मिला, ये तीनों का कॉमन, इस तरह और आएगा। तो आप देख रहे हैं ये जैसे दो ही की बात करें तो ये कौन सबसे पहले आया? यानी यदि 2, 3 एंड 4 ये तीनों का यदि आप कॉमन मल्टीपल एलसीएम की बात करेंगे तो कितना आएगा आपका? 12 आएगा। ये जो है सो ये कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। अब यदि आपको निकालना पड़ेगा कि आप एलसीएम निकालें तो इतना सारा तो आप करेंगे नहीं, इतना सारा नहीं करेंगे, तो आप किस तरह से उसको निकालेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। आप जैसे मान लिया जाए यहाँ पे सपोज करिए आपको 6 एंड 4 का निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इस तरह से 6 एंड 4 लिखेंगे। लिखने के बाद आपको प्राइम नंबर सोचना है। प्राइम नंबर में 2, 3, 4 नहीं होता है, 2, 3, 5, 7 इस तरह का नंबर लेकर के उसका टेबल पढ़ना, ये सबको हटाते जाना है। तो आप एक कॉमन ले लेंगे, आप देख रहे हैं ये 6 किसका टेबल में आएगा, 4 किसका टेबल में आएगा। तो 2 का टेबल में देखते हैं 2 का टेबल में कितना बार में आएगा? 6। तो 2, 3 तो 2, 3 और 6 इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। फिर 2, 2 और 4 होगा तो यहाँ लिखेंगे। तो 2 का टेबल 3 बार 6 हो जाएगा, तो 2 का टेबल 2 बार में 4 आएगा। यानी इसको छोटा करके हम कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, ये भी दोनों प्राइम नंबर्स है। अब ये इससे छोटा नहीं होगा, कोई ऐसा टेबल नहीं होगा जिसमें जिसका टेबल में 3 भी आएगा 2 भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे तो आप मान लिया फिर 2 लेंगे तो ये तो 3 तो नहीं जाएगा, 2 का टेबल में 3 आएगा, 2, 1 और 2 होगा। अब फिर 3 लेंगे, 3, 1, 3 एंड ये 1 टू 1, तो 2, 3, 2 एंड 2, 3, 2, 2 एंड 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2, 2 और 4, 3 और 12। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा कितना? 12 होगा। ये जो है इस तरह से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, और ये जो करते हैं इसको हम लोग इस तरह से प्राइम नंबर से करते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो किस तरह का कुछ हो, काइंडली आप जो है इसको भेजेंगे, मैं एक एक करके और भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच।